शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए तप करा, साधना करी, व्रत करा, उपवास करा, उस तप साधना के बल पर माता पार्वती जी ने भगवान देवदीदे महादेव को प्राप्त किया। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, और वो प्रश्न केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, जितने यहां पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर खड़े हैं, दोनों ओर जितने जितने भक्त लोग खड़े हुए हैं, और जो जो जहां जहां दुकानों में बैठे हुए हैं, और जितने आस्था चैनल पर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए। पार्वती जी ने एक बार भगवान देवदीदे महादेव से प्रश्न किया कि बाबा, देवदीदे महादेव से माता पार्वती जी कहती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि होती है जिसमें वो सबके लिए अच्छा सोचता, सबके लिए ऊंचा सोचता, और एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है जिससे वो सबके लिए नीचा सोचता। और मान लो, माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, मान लो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख में आ जाए जो हमेशा नीचा ही सोच रहा हो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? और ये प्रश्न केवल एक के लिए नहीं, माता पार्वती जी का ये प्रश्न संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। दो तरह के लोग हमारे को मिलते हैं, दो तरह के लोग हमारे परिवार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमारे घर में रहते हैं, दो तरह के लोग पूरे संसार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमें हमारे जीवन में प्रतिक्रियाओं में प्रतिदिन मिलना होता है। एक वो जो बहुत ऊंचे विचार रखता है, एक वो जो तरक्की का विचार रखता है, एक वो जो सारे जनमानस के कल्याण का विचार रखता है, और एक वो जो केवल अपने लिए अच्छा सोचना और बाकी के लिए नीचा सोचना, गलत सोचने का विचार रखता। दो तरह के लोग हैं संसार सागर में। एक अच्छा सोचने वाला, एक बेकार सोचने वाला। क्या करना चाहिए? देवदीदे महादेव ने कहा, पार्वती, जब नीचा सोचने वाला व्यक्ति अगर आपके सम्मुख में आ जाए, तो उस समय पर मुख को बंद कर भगवत स्मरण में डूब जाना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रसंग हमारी जिंदगी में आता है, नीचा सोचने वाला, गलत सोचने वाला, गलत विचार करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा संबोधन करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपशब्द कहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने वाला ही संसार सागर में नीचा हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वह नीचा हो जाता, अपने आप नीचा हो जाता, अपने आप। आप में से किसी ने मरीजों को देखा है हॉस्पिटल में जाकर जिनका ऑपरेशन होता है? अरे बोलो जम के जरा, किन किन ने देखा जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर जाते हैं, जो तो डॉक्टर होता है ना, वो मुंह पर एक कपड़ा बांध लेता है, मुंह पर एक मास्क लगा लेता है। बोलो देखा है कि नहीं देखा? अरे जम के तो बोलो, देखा है ना सबने। मरीज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेकर गया और अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया। तो शिव महापुराण भी यही कहती है, मरीज को देखकर डॉक्टर मुंह पर कपड़ा लगा लेता है, तो जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसको देखकर तुम भी मुंह पर कपड़ा लगाकर अपनी भक्ति में डूब जाया।